एक बार बनाकर महीनों तक स्टोर करें। क्रिस्पी और बिल्कुल बाजार जैसी साबुदाने वाली नमकीन, व्रत ना हो तो भी खाएं, व्रत में हो तो भी खाएं। सिर्फ दो चीजों से बनाएं साबुदाने के नमकीन। नूतन दत्त का स्नेह भरा नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साबुदाने के नमकीन। बाजार में तीन तरह के साबुदाने मिलते हैं। ये नॉर्मली जो हम यूज करते हैं मीडियम साइज वाला, और ये वाला जो है ये बिल्कुल छोटे साइज वाला साबुदाना है। ये दोनों ही हम यूज करते हैं साबुदाने की खिचड़ी बनाने में या साबुदाने की दूसरी कोई और रेसिपी बनाने में। लेकिन आज की हमारी साबुदाने की नमकीन बनाने के लिए हमें लेना है ये वाला साबुदाना। इसे मार्केट में नायलॉन साबुदाना के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों में से कई लोग इसे जानते होंगे, लेकिन जो ना जानते हो उनके लिए मैंने ये बता दिया। तो इस वाले साबुदाने से हमें बनानी है नमकीन। इसके साथ हमें थोड़ी सावधानी ये बरतनी होती है, बनाने के पहले इसे एक दिन हमें धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। धूप में रखने के बाद जब इसे आप फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, और बिना धूप दिखाए इसे अगर आप बनाएंगे तो ये ऊपर से तो फूल जाएंगे लेकिन अंदर में थोड़ा कच्चा रह जाएगा, और जो खाने में दांत में चिपकता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, जब भी इसे बनाना हो उसके पहले एक दिन से धूप जरूर दिखाएं। रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए सेट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो कढ़ाई में मैंने करीब करीब 400 ml तेल डाला है। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है, और जो सारी चीज़ें हम फ्राई करेंगे उसे हम एक छन्नी के ऊपर रखकर फ्राई करेंगे, ताकि इसे निकालने में और फ्राई करने में हमें बहुत ही आसानी हो। तो सबसे पहले 10-12 करी लीव्स और 2-3 हरी मिर्च को बारीक काटकर इसे हम तेल में फ्राई कर लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि करी पत्ता या मिर्च दोनों में ही बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेल बहुत ज़्यादा उछलेगा। ये दोनों चीज़ तेल में एकदम करारे हो जाने चाहिए, अगर इस पर नमी रह जाएगी तो आपका नमकीन खराब हो जाएगा। और ऐसा करने से हमारा जो तेल है ना ये भी काफ़ी खुशबूदार बन गया है। अब इसमें हम साबुदाने को फ्राई करेंगे। साबुदाना फ्राई करते समय गैस का फ्लेम आपको हाई रखना है। और चलिए इस छन्नी में हम साबुदाना डालते हैं। साबुदाना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, हमको एक मुट्ठी साबुदाना डालना है, करीब करीब 2 टेबलस्पून, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये साबुदाना फ्राई होने के बाद बहुत बड़े साइज़ का हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर कर लेगा, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी ज़्यादा मत डालिए। और साबुदाना फ्राई हुआ कि नहीं ये समझने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको यहाँ और बताऊँगी। साबुदाना आप जैसे ही तेल में डालते हैं तो बहुत कड़कने की आवाज़ आने लगती है, और ये कड़कने की आवाज़ शुरू में बहुत ज़्यादा आती है और धीरे 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 ये कम होती जाती है। तो जब ये आवाज़ आनी बंद हो जाए तब आप समझिए कि आपके साबुदाने फ्राई हो चुके हैं। और फिर आप छन्नी को निकाल लीजिए और साबुदाने को एक प्लेट में रख लीजिए। अगर आप इसे छन्नी में फ्राई ना करना चाहें तो आप इसे डायरेक्ट तेल में डालकर भी फ्राई कर सकते हैं, और उस समय भी आपको यही ध्यान रखना है कि जब कड़कने की आवाज़ एकदम कम हो जाए तब आपको समझना है कि आपका साबुदाना अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इस तरीके से हम पूरे साबुदाने को फ्राई करके निकाल कर रख देते हैं। और इसी तरह अब हम मूंगफली को भी फ्राई करेंगे। मूंगफली फ्राई होने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 से 1.5 मिनट में ही मूंगफली बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। मूंगफली डालकर इसे हम चम्मच से चलाएंगे, और जैसे ही इसका कलर हमें चेंज हुआ सा लगे इसे निकालकर हम इसे भी एक प्लेट में रख लेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि मूंगफली तेल में इतना गर्म हो जाता है कि निकालने के बाद भी ये थोड़ा देर तक और सिकता रहता है। तो साबुदाना और मूंगफली हमने फ्राई कर लिया, यही दो हमारे मेन इंग्रेडिएंट थे। और अब हम इसमें थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करेंगे जिससे इसका स्वाद और अच्छा बढ़ जाए। तो सूखा हुआ नारियल मैंने इस तरीके से लंबाई में काट के लिया है, उसे डाल देते हैं, और नारियल को भी इस तेल में हम फ्राई करके निकाल लेंगे। ये भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि नारियल भी निकालने के बाद कुछ देर तक और लाल होता रहता है, तो इसे भी हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल इतना सा कलर आएगा इसे हमें निकाल देना है। काजू को भी हम बिल्कुल 30-40 सेकेंड तक फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। तो आज मैं इसमें इतनी ही चीज़ें डाल रही हूँ, किशमिश और डालेंगे लेकिन किशमिश हम फ्राई नहीं करेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली और सभी के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो इस कटोरी में फ्राई किया हुआ मिर्च और करी पत्ता है, इसमें हम साबुदाने को डाल देते हैं, मूंगफली डाल देते हैं, फ्राई किया हुआ सूखा नारियल डाल देते हैं, फ्राई किए हुए काजू को भी डाल देते हैं, किशमिश डाल देते हैं, और एक बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर इसमें डाल रहे हैं, थोड़ी सी काली मिर्च डाल रहे हैं, और थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। उपवास के लिए बना रहे हो तो सेंधा नमक डालिए, नॉर्मल खाने के लिए बना रहे हो तो नॉर्मल नमक डालिए। इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे, और जैसे ही ये ठंडा हो जाए इसे हम एयर टाइट कंटेनर में बंद करके 1 महीने तक आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस तरह की नमकीन बनाकर अभी से भी रख सकते हैं, और दिवाली या एकादशी के समय आप इसका यूज कर सकते हैं।